हेलो एवरीवन, निमंत्रण पे आप सबका स्वागत। आज मैं रोटी बना के दिखाऊंगी, वो भी दो तरीके से। ये रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में गेहूं की आटा ली। और दे दिया टेस्ट के हिसाब से नमक, जैसे रोज का रोटी में देते हैं ऐसे ही देना है। उसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल दे दिया। फिर पानी डाल के इसे एक डो बना लेती हूँ। मैंने 600 ग्राम आटा लिया है, तो इसे डो बनाने के लिए 200 से 300 ml पानी में लगभग हो जाएगा। ये आटे के साथ पानी एक बार में नहीं मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है। छह से सात मिनट के अंदर ये डो बन के तैयार हो जाएगा। डो बना लिया, इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ। डो रेडी हो गया, इसे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया। इस डो के आधा हिस्सा मैंने रख देती हूँ, बाद में रोटी बनाऊंगी। एक एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ। एयरटाइट कंटेनर में रखने से इसका कलर खराब नहीं होता। स्टील का बर्तन में वो काला काला पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद इस आटे के मैं गोल गोल लोई बना लिया और इसमें रोटी बेल के दिखाऊंगी।
अब मैं रोटी बेल के दिखाती हूँ। जैसे सभी लोग रोटी बेलते हैं ऐसे पहले बेल लेती हूँ एक एक करके। इसे सूखा आटा लगा लगा कर बेल लेती हूँ गोल गोल करके। थोड़ा सा हल्का हाथ से बेलना है। अब मैं दिखाती हूँ एक साथ में दो रोटी कैसे बेलते हैं। लोई में सूखा आटा अच्छे से लगा लिया और चकले पर रख दिया और एक लोई इसके ऊपर सूखा आटा लगा कर रख लिया और दोनों को थोड़ा सा हाथों से दबा लिया। अब बेलन से बेल लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का हाथों से बेलना है और गोल गोल करके बेलना। इतना बेलने के बाद ये ऊपर का रोटी थोड़ा सा हाथों से उठा लिया और थोड़ा धीरे धीरे उठा लेती हूँ और दोनों में अच्छे से सूखा आटा लगा देती हूँ और एक के ऊपर एक रख कर फिर से सूखा आटा लगा कर बेल लूंगी। अच्छी से बेल लिया हो गया दोनों रोटी एक साथ में बेल लिया। दो रोटी को एक साथ में बेल लिया। अब रोटी अलग कर देती हूँ और गरम तवे पे एक एक करके सेक लूंगी। हाई फ्लेम में 2 मिनट एक साइड सेक लिया और रोटी को पलट दिया। इस साइड भी 2 मिनट सेक लूंगी। इस रोटी के ऊपर और एक रोटी डाल देती हूँ इसे भी सेक लूंगी। रोटी को पलट दिया। दोनों तरफ से रोटियों को हल्का हल्का सेक लेना। ज्यादा नहीं सेकना है नहीं तो रोटी कड़क हो जाती है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके सेक लिया तब पे अभी से रोटी सेकने का स्टैंड से सेक लेती हूँ डायरेक्ट गैस पे। रोटी को सेक लिया ऐसे करके सारे रोटी को बना लूँगी। कितना आसान है ये डबल रोटी बनाने का। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरी अगला वीडियो पाने के लिए जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।